हेलो एवरीवन, ये देखिए यहाँ पर मैं अस्तर वाले पीस को लेकर इस तरीके से फोल्ड की हूँ ऊपर शोल्डर के पास से, और इस तरीके से निशान लगा रही हूँ प्लेट के लिए। निशान पहले ही लगा देना है, और इस तरीके से हमने जो मेन फैब्रिक हमारा नेट का है उस पर हमने इसको उल्टा करके रखा है अस्तर पे, जब पलटेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रख के करना है। और किनारे किनारे हम इस तरीके से सिलाई मार रहे हैं, लगभग एक पाव का सिलाई मारते जाना है बराबर से, और धीरे धीरे कपड़े को बराबर करते हुए हमें इस तरीके से मारना है। और ये बिना बुकरम और बिना अलग से कोई कपड़ा कट किए हम इसी पर डिज़ाइन बनाएंगे, और इस तरीके की स्टिचिंग के साथ आप आराम से एकदम परफेक्ट गले पर बैठने वाली डिज़ाइन बनेगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके हम निकाल देंगे। इसके बाद जगह जगह हमें एक कट लगा देना है थ्रेड को छोड़ते हुए, जो स्टिचिंग का मेन थ्रेड है उसको छोड़ देंगे, उसे नहीं कट करेंगे, और यहाँ सब जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर कट को लगा देना है आराम से। कट लगाने के बाद अब हमें इसे किस तरीके से फोल्ड करके स्टिचिंग लगानी है जिससे ये हमारा बैठ जाएगा और गला भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ ओपन होगा। तो ये देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हमने इसको पलटा है, और देखिए जो स्टिचिंग वाला हमारा पार्ट है किस तरीके से मैं दबा रही हूँ, तो वो अस्तर के नीचे वाले साइड पर चला जाएगा, और अस्तर के साइड पर ही हमें सिलाई भी मारनी है, नेट वाले फैब्रिक पर नहीं मारनी है। तो जो स्टिचिंग का पूरा पार्ट था उसको इस तरीके से बराबर करते हुए और बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगानी है, और बीच में सिलाई को नहीं करना है लेकिन किनारे किनारे को सिलाई को मारनी है, इसी तरीके से सिलाई को मारना है ताकि हमारा जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी से आए। तो आराम से थोड़ा थोड़ा करते हुए घुमाते हुए हमें सिलाई को मार लेना है, इससे फिर जब हम नेट के फैब्रिक को पलटेंगे हमारा नेट का फैब्रिक जो है सीधा हो जाएगा। याद रखिए नेट का फैब्रिक जो था हमें उल्टा करके रखना था, इसमें मतलब डिज़ाइन वाला पोर्शन जो था वो हमारा अस्तर के साइड पर ही था, और जब सीधा करेंगे तो वो सीधा हो जाएगा। तो इस तरीके से करके हमें रखना है। देखिए पूरी सिलाई को हमने किनारे किनारे किस तरीके से चलाया है, आप इसे जूम करके और भी ज़्यादा देखना हो तो देख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से स्टिचिंग करने से हमारी ये देखिए गला कितना अच्छे तरीके से बैठ जाएगा, और ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ। मैंने इसकी कटिंग का वीडियो दिया है ब्लाउज का, प्लीज़ जाके उसे देखिए और सपोर्ट करिए हमारे चैनल को। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और फ्रंट पल्ले को कैसे तैयार करें, इसका हुक, आई पट्टी, बाकी सारी चीज़ें भी हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं, प्लीज़ उसे देख के सपोर्ट करिए। तो ये देखिए अब हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, और जो भी हमने बाजू उजू में जो सिलाई मार दी है उसे फिर मार देना है पलटने के बाद, गला बनाने के बाद। अब हमने यहाँ पे इस प्लेट का जो निशान लगा रखे थे इसे भी हमें स्टिच कर देना है। ये देखिए स्टिच को हमेशा इस तरीके से नुकीला करते हुए चलाइए, ये देखिए पहले सीधे इस तरीके से पकड़ लेना है, फिर चलाते हुए आगे की ओर नुकीला करते हुए जाना है, और ताकि वो एकदम अच्छी तरीके से ब्लाउज भी एकदम बैठ जाए और उठा उठा सा ना दिखे। और धागा हमेशा थोड़ा सा लंबा कट करना चाहिए, लगभग एक इंच एक्स्ट्रा धागा छोड़ दे जिससे ये उधड़ेगा नहीं तो बैक सिलाई मारनी पड़ती है दो तीन। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम ऊपर की ओर डिज़ाइनिंग के लिए हम इस तरीके से लेस को यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा किनारा को छोड़ते हुए, जिससे ये लुक थोड़ा सा हमारा पाइपिंग की तरह क्रिएट करेगा और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। तो इसे लगाने के लिए कोई भी आप जो भी आपको गोटा पट्टी लेस अच्छी लगे डिज़ाइन में वो यूज़ कर सकते हैं, अपने फैब्रिक से मैचिंग करता हुआ कोई भी लेस। तो ये देखिए हमने इस तरीके से इसे किनारे किनारे लगा दिया है, और यहाँ पर ये गला हमारा जब बनकर तैयार होगा तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे कंधों पे और शोल्डर पे बैठेगा और इधर उधर भी नहीं भागेगा। अब देखिए इस तरीके से इससे मैचिंग करता हुआ फिर से मैंने एक लेस लिया है, और इसे भी इसी पर इसके साइड से थोड़ा सा ऊपर से इस तरीके से चलाते जा रहे हैं जिस तरीके से कि ये लगाने पर अच्छा लगे। तो ये देखिए इसको घुमाते हुए मैंने इसका ये लुक क्रिएट किया है। ये देखिए थोड़ा सा और नीचे जाएंगे और प्लेटों के बीच से जाते हुए साइड से हमें नीचे की ओर इसको घुमाते हुए चले जाना है, और इसमें दो स्टिच लगेगी क्योंकि ये जो हमारा लेस है थोड़ा चौड़ा है तो इसलिए। तो ये देखिए इस तरीके से पहले हमने पूरा स्टिचिंग करके इस तरीके से लगा लिया है, ये देखिए यहाँ पर
अब इसको कट कर देंगे। अब कट करने के बाद यहाँ पर नीचे से जो है इस लेस के नीचे इस वाले हिस्से को अंदर कर देना है करके, इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा तिरछा लुक हमें यहाँ पर लगाना है, ये देखिए, और उसके बाद वहाँ पर सिल देना है उसी तरीके से। और देखिए अब हमने यहाँ पर शाइनिंग में मैच करता हुआ कपड़ा लिया है, लगभग 1 इंच से थोड़ा सा चौड़ा इसको लिया है। अब इसे जो है हमें एक पट्टी तैयार करनी है, तो ये देखिए किस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं, दोनों साइड से फोल्ड करके फिर बीच से फोल्ड कर देना है। इससे हमारी अच्छी पट्टी तैयार होगी, इसी से हम एक लूप टाइप का तैयार करेंगे जिसे बटन होल भी बोलते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने किस तरीके से फोल्ड करके तैयार किया है। आप इसके जगह कोई चौड़ी लेस भी यूज़ कर सकते हैं जो लूप की तरह दिखे और अच्छी लगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने पट्टी से तैयार किया है, ये देखिए। और ये हमने यहाँ पर ऑरेब लिया है, इसलिए लिया है ताकि ये अच्छी तरीके से हमारा घूम सके और अच्छा लगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर अब इसको हमें लगभग 1-1 इंच पे टुकड़े कर लेने हैं, और ये देखिए फोल्ड करके हमें इस तरीके से यहाँ पर बीच में लगा देने हैं। तो मैंने इसको जगह जगह 2-2 इंच दूरी पर रखते हुए इस तरीके से लूप की तरह करके नीचे स्टिच मार दिया है, दूसरी सिलाई भी चला दी है। थोड़ा सा वीडियो नहीं शूट हो पाया है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और देखिए अब हम यहाँ पर एक सिलाई और साइड से चला दे रहे हैं ताकि हमारी जो गला है वो अच्छी तरीके से बैठ जाए। ये देखिए इसको बराबर करते जाना है और अच्छी तरीके से लूपों को इस तरीके से हमें दबा देना है, और स्टिचिंग जो है हमारी परफेक्ट आनी चाहिए सिलाई में। और ये गला बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है, बिना किसी ज़्यादा टाइम और ज़्यादा मेहनत के बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा गला ये बनकर तैयार होता है, ये देखिए। इसके बाद जो हमारा इधर का भी जो हमारा बचा हुआ था उस पर भी हमें स्टिचिंग चला देनी है। स्टिचिंग चलाते समय थोड़ा सा आराम से चलाना है ताकि हमारी जो फिनिशिंग है गले की वो अच्छी आए। तो इसे बराबर से चलाना है और गले की जो गुलाई है उसमें खिंचाव नहीं देना है, उसे बस आराम से चलाते जाना है। इससे हमारा गला जो है परफेक्ट सेट होके तैयार होगा, ये देखिए। अब इसके बीच में हमें लगाने के लिए बटन तैयार करने हैं, या आप मोती का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए 1.5 इंच चौड़े का स्क्वायर में हमें कपड़ा लेना है, और ये हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। इसके बाद ये देखिए जो हमने कपड़ा ले लिया है इस तरीके से 1.5 इंच लगभग चौड़ाई में, और स्क्वायर में कपड़ा लिया है इस तरीके से, और उसके बीच में हमने कपड़े के कतरन को इस तरीके से भर दिया है। और इस तरीके के पोटली टाइप के बटन बना लेने हैं, और अलग टाइप के भी बटन आप बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने धागे को इस तरीके से अंदर कर दिया है ताकि वह वहीं पर सेट हो जाए, और इसे गोल गोल करते हुए हमें अच्छे तरीके से बांध देना है, और ये बहुत ही ईजिली इस तरीके के पोटली बटन बन जाते हैं। इसके जगह पर आप चाहें तो बटन और मोटली का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर डिज़ाइन में। और इनके बीचों में हमें इस तरीके से अच्छी तरीके से करते हुए हमें सब जगह टक कर देना है, जैसे मैंने टक कर रखे हैं कुछ, तो इस तरीके से वो अंदर चले जाएंगे और कुछ भी इसमें दिखेगा नहीं, ऊपर बटन की तरह ये दिखाई देंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ ऐसे इस डिज़ाइन को शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।